मोदी से कैसे रिश्ते रखते हैं नितिन गडकरी? दोनों नेताओं के बीच में कोई खटपट है बड़ी? आलाकमान से नितिन गडकरी की है कोई नाराजगी? क्या पीएम पद की रेस में है नितिन गडकरी? क्या केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव में या आगे कभी भी भविष्य में पीएम की रेस में शामिल होंगे? इस सवाल का जवाब तो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान से खटपट की खबरों के बीच में यह सवाल सबसे दिलचस्प बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि नितिन गडकरी पीएम की रेस में शामिल है या नहीं, और इससे भी बड़ी बात या यूं कहे सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी से कैसे रिश्ते साझा करते हैं नितिन गडकरी। तो इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दिया है। उनके और पीएम मोदी के संबंधों को लेकर मीडिया में छाई खबरों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है, मैं करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरा मानना है कि राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधारों का एक साधन है, इसलिए पदों में कोई आकर्षण नहीं। मतलब साफ है कि पीएम पद से या किसी और पद से उन्हें किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं है। वो यहाँ जनता की भलाई के लिए हैं और अपने उस काम को वो बखूबी कर रहे हैं। इसके बाद फिर पीएम मोदी के बारे में पूछे जाने पर नितिन गडकरी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। 2014 में उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करने के कारण बीजेपी को जीतने में मदद मिली थी। 2019 में भी हमने उनके नेतृत्व में अपना शानदार प्रदर्शन दोहराया। आज 10 साल बाद हम ये कह पाने की स्थिति में हैं कि भाजपा ने एक दशक में जो हासिल किया कांग्रेस पिछले 60 से 65 वर्षों में भी नहीं कर सकी। देश की जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है, एक बार फिर रिकॉर्ड अंतर से हमें चुनेंगे। हम निश्चित तौर पर 400 का आंकड़ा पार करेंगे। फिर पीएम मोदी से उनके रिश्तों को लेकर जब सवाल किया गया तो उनका कहना था, पीएम मोदी से मेरे संबंध काफी मधुर है। तो बीजेपी आलाकमान या फिर पीएम मोदी से नितिन गडकरी की खटपट की बात करने वालों को उनका जवाब ठीक ढंग से खुद नितिन गडकरी ने ही दे दिया। हालांकि फिर बात आखिर में नितिन गडकरी के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंधों को लेकर भी हुई, जिस पर गडकरी ने कहा, देवेंद्र के पिता से मिलने के बाद उन्हें राजनीति में प्रवेश दिलाया। जब एक ही क्षेत्र के दो बड़े नेता हों तो लोग गपशप करते हैं। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मुझसे सलाह लेते हैं। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव से पहले कैसे खुलकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनको लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों पर बात की है। फिर बात चाहे उनके पीएम बनने की हो या फिर पीएम मोदी के साथ संबंधों की हो या फिर देवेंद्र फडणवीस से उनके रिश्तों की हो, साफ सुथरा और अच्छा बोलने वाले लोगों में नितिन गडकरी की गिनती है। बिना लाग लपेट के बात करने वालों में गडकरी गिने जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, बाकी उन्हें पद से कोई आकर्षण नहीं है। आपको बता दें, नितिन गडकरी को आरएसएस का करीबी माना जाता है। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में भी गडकरी संघ के सबसे पसंदीदा है, और फिर जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से गडकरी मोदी सरकार के कैबिनेट के हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं। कई जानकारों की माने तो नितिन गडकरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो संघ में जबरदस्त पैठ रखते हैं। गडकरी को मोदी शाह की बीजेपी में पूरी तरह से दरकिनार कभी नहीं किया जा सकता। इससे संघ परिवार नाराज हो सकता है, जो मोदी और शाह कभी नहीं चाहेंगे। वैसे आप नितिन गडकरी के बेबाक जवाबों, पीएम मोदी से उनके रिश्तों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।